बच्चों, नाउ वी आर गोइंग फॉर सेकंड वीडियो ऑफ कॉन्डिशन ऑफ पाउंड, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है वो देखेंगे। तो पहले हम एक कॉन्डिशन कंपाउंड ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। जैसे आपके पास है दैट इज सी आर एन एस थ्री सिक्स टू पॉजिटिव, ओके। ये लिया हमने एक कॉन्डिशन कंपाउंड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एस ओ फोर, ठीक है। दिस इज कॉन्डिशन कंपाउंड। अब इसमें क्या है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। ये क्या है आपका सेंट्रल एटम। यू नो दैट ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड डिपेंड अपॉन सेंट्रल एटम। तो ये सेंट्रल मेटल एटम बोलना है इसको आपने, सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि ये डी ब्लॉक का मेटल है क्रोमियम। इसको बोलते हैं लिगेंड, जो इसके साथ अटैच है लिगेंड। फिर हमने ये लगा दी स्क्वेयर ब्रैकेट। इस स्क्वेयर ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आपके राइट हैंड साइड में भी कुछ ग्रुप हो सकते हैं एटम और एटम ग्रुप ऑफ एटम, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी एटम हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम। इनको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इनको हम, काउंटर आयन, विच कैन बी आयोनाइज। ये आपका आयोनाइज हो जाता है, जो भी चीज़ आपकी कॉन्डिशन स्फीयर के बाहर होगी दैट विल गेट आयोनाइज, ओके बच्चों। तो ये आपने याद रखना है, यह है सेंट्रल एटम, यह है लिगेंड, यह है काउंटर आयन, और इस स्क्वेयर ब्रैकेट को बोलते हैं हम कॉन्डिशन स्फीयर, ओके। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, जिसके ऊपर ज्योमेट्री डिपेंड करती है। तो आप यहाँ सिंपल लिख देंगे अपॉन विच ज्योमेट्री डिपेंड, ऐसे लिख दें ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, ऑफ कंपाउंड डिपेंड अपॉन सेंट्रल एटम, ओके। नेक्स्ट है कॉर्डिनेशन स्फीयर। अब कॉर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या है आपका, आपको दिख रहा है एक आपका सेंट्रल एटम है और है लिगेंड। तो लिख देंगे आप कॉर्डिनेशन स्फीयर कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल एटम एंड लिगेंड, ओके। अब रहा आपका एक वर्ड दैट इज लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, अब आपने ये याद रखना है, इसको हम करेंगे एलैबोरेट। लिगेंड विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक लिविस बेस, ठीक है। ये क्या करते हैं आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उनको बोलते हैं हम लिगेंड। जैसे आपका अमोनिया है, वी नो दैट अमोनिया कंटेन वन लोन पेयर, तो ये एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो ये क्या बन गया आपका लिगेंड, ओके। अब लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ देंगे आप हेडिंग टाइप ऑफ लिगेंड या क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। पहले आपका है मोनोडिंटेट लिगेंड का मीनिंग होता है डोनेशन, ठीक है। मोनोडिंटेट और यूनिडिंटेट। मोनो मतलब वन, यूनि मतलब वन, विच हैज। तो मोनोडिंटेट और यूनिडिंटेट लिगेंड क्या होंगे, विच हैज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन। जिनके पास सिर्फ एक ही पेयर होगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए, उसे बोलेंगे हम मोनोडिंटेट और यूनिडिंटेट, विच हैज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लें, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, अमोनिया, वाटर एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। तो ये भेज रहा हूँ मैं आपको, फिर इसके बाद दो तीन मिनट का एक वीडियो और है जो सेंड करूँगा।